Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today let's delve into the cosmic wonder of Earth shape. Earth ka gol akar wo kyun? Why is the planet not flat and what makes it round? Let's explore this fascinating phenomena. सबसे पहले लेट्स रिवाइंड टू व्हेन अर्थ वाज टेकिंग इट्स फर्स्ट स्टेप्स. अर्थ का जन्म हुआ बहुत तेज गर्मी और एक्टिविटी के बीच में. दिस इंटेंस हीट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अर्थ इनटू स्फेरिकल फॉर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर. जब सूरज की रोशनी दुनिया को मिलती है, द हीट डिफरेंट रीजंस अनइवनली. ये अनइवन हीटिंग इनिशिएट्स अ यूनिक डांस ऑफ विंड्स एंड करंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द अर्थ स्फेरिकल ब्यूटी. ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट पुराना खिलाड़ी है इस कॉस्मिक कहानी में. ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, और अर्थ का केस भी कुछ ऐसा ही है. ग्रेविटी प्लेड अ पाइवोटल रोल इन गिविंग अर्थ इट्स राउंड अपीयरेंस. अर्थ का अंदर का कोर भी एक अहम किरदार अदा करता है. जब यह गर्म होता है, इट इनिशिएट अ रोटेशनल मूवमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिट स्फेरिकल शेप ऑफ आवर प्लेनेट. अर्थ का गोलाकार रूप बनाने में सारे एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है. पत्थर, पानी, हवा, सब ने एक साथ मिलकर बनाया एक अनोखा कॉम्बिनेशन, रिजल्टिंग इन द डिस्टिंक्ट स्फेरिकल शेप वी कॉल होम. In conclusion, a spherical shape is a cosmic dance of heat, atmosphere, gravity, और हमारे प्लैनेट के को डायनामिक इंटरेक्शन. थैंक यू फॉर आवर विजिट. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम एवरीवन. टुडे वी डेल्व इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सीजनल चेंजेस. हम इंसानों पर अल्लाह की इतनी नेमत है कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते हैं. मौसम का चेंज होना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है. Ever wonder why we experience different seasons throughout the years? Let's explore the factors that causes these shifts. हमारा सफर शुरू होता है अर्थ के एक्सल डेल्टा और सन के इर्द गिर्द घूमने से. अर्थ की एक्सिस तकरीबन 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिससे साल भर में मुख्तलिफ जगहों को सन की वेयरिंग लाइट मिलती है. जब अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, तो यह टिल्ट सीजन में तब्दील होने का सबब बनता है. अब चलिए चार मौसम और उनके खासियत के बारे में समझते हैं. स्प्रिंग से जिंदगी का आगाज होता है, जिसमें दिन लंबा होता है और टेम्परेचर गर्म होता है. समर गर्मियों का पहाड़ लेकर आता है, वाइल्ड ऑटम शोकेस नेचर वाइब्रेट कलर एज टेम्परेचर कूल. विंटर, जो कि सबसे ठंडा मौसम है, एक आराम और सुकून का वक्त होता है. Let's not forget the impact of hemispheric difference. Nether hemisphere में जब गर्मी होती है, तब सदर hemisphere में ठंडक होती है, and vice versa. These changes are due to the tilt orbit, जो बहुत खूबसूरत तरीके से सारी दुनिया में सीजन का एक synchronized dance create करता है. लोकल वाटर बॉडीज भी मौसम के बदलाव करने में एक बार और प्ले करती हैं. कोस्टल एरिया ओशियंस की प्लस की मिडल टेम्परेचर करते हैं, जबकि माउंटेनियो सीजन माइक्रोक्लाइमेट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिलते हैं. थैंक यू फॉर विजिट.